दोस्तों, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए यहां से ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहां पे बताने वाले हैं कि आप शौचालय का आवेदन कैसे कर सकते हैं और जो भी उसका राशि मिलता है उसका आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहना क्योंकि यहां पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं जो रियल है। दोस्तों, कैसे आपको शौचालय का पैसा मिल सकता है और दोस्तों यहां पे जो भी स्टेप मैं बताऊंगा अगर उन्हें आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो शौचालय का पैसा होता है वो आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके में और जो जेन्युइन तरीका है, जो सही तरीका है, वही तरीका यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से बताते हैं कैसे आप शौचालय के पैसे का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, जाना होगा आपको गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। दोस्तों, यहाँ पे गूगल पे जाना और आपको सर्च कर लेना है रूरल डेवलपमेंट एंड यहाँ पे पंचायत डिपार्टमेंट सर्च कर लेना है। तो जैसे दोस्तों ये सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का वेबसाइट ओपन होके आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, ग्राम डेवलपमेंट एंड पंचायत विभाग का, तो इस तरीके का यहाँ पे वेबसाइट पॉपअप होने लगता है। इसके बाद गई यहाँ पे आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कि कैसे हमें आवेदन करना है शौचालय के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि शौचालय के लिए कोई भी आवेदन ऑनलाइन नहीं होता है बल्कि आपको ऑफलाइन करना होता है। जो आपके ग्राम में ग्राम सेवक होते हैं या फिर मुखिया होते हैं उन्हें आपको फॉर्म भर के देना होता है, उनसे आपको अप्रोच करना होता है शौचालय के लिए, तो फिर आपका नाम लिस्ट में ऐड होता है और ब्लॉक में जाता है। दोस्तों, ये बात सच है क्योंकि यहाँ पे देखिए हम आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लेकर आए हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रावधान लिखा हुआ है, यहाँ पे पात्रता है, यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट लगेगा, हम पूरी प्रक्रिया आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत व्यक्तिगत परिवार शौचालय इकाइयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपया केंद्र सरकार के तरफ से यहाँ पे लॉन्च होता है, जिसमें कि 60% यहाँ पे जो होता है वो केंद्र सरकार देती है और यहाँ पे लिखा हुआ है जो 40% है 4,800 रुपये वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट देता है, जो कि कुल मिला के राशि हमें 12,000 रुपया मिलता है शौचालय के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पात्रता, कौन इसका लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों सभी BPL परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों, वास भूमि वाले, भूमिहीन, शार्मिक, शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति और महिला मुखिया परिवार के इसके पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे BPL परिवार तथा गरीबी रेखा से जो ऊपर वाले हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब लोग हैं और जो विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग है, वो लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया कैसे आपको मिल सकता है ये 12,000 रुपया और शौचालय का जो पैसा है। तो दोस्तों पात्र परिवार के द्वारा शौचालय के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाता है जिसकी स्वीकृति संबंधित विकास अधिकारी द्वारा दी जाएगी, यानी जो भी ब्लॉक ऑफिसर होंगे वहां से ये चीज अप्रूवल हो जाती है। लाभार्थी द्वारा स्वयं की राशि से अपने घर में निश्चित डिजाइन के आधार पर शौचालय का निर्माण किया जाता है। निर्मित शौचालय में जल की उपलब्ध हेतु क्या पानी की टंकी एवं हाथ धोने की सुविधा होने चाहिए। लाभार्थी एवं उसके परिवार के सदस्य द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाना चाहिए। पंचायत द्वारा निर्मित शौचालय के सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में या चेक के द्वारा भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा दोस्तों किसी तरह का नहीं हम बता रहे कि यहाँ पे आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत में जाना होता है दोस्तों, आप अपने ग्राम पंचायत से, यहाँ पे मुखिया से या जो भी सरपंच वगैरह उनसे आप अगर अप्रोच करते हैं कि आपको शौचालय की नीड है तो यहाँ पे ये चीज अप्रूवल आपके ब्लॉक ऑफ अधिकारी के पास जाएगी और यहाँ से आपका अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पे 12,000 रुपये मिलता है और उसके बाद इसमें केंद्र सरकार आपको 60% का राशि देती है, यानी लगभग 7,200 का राशि देगी और यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो 48% की आपकी राशि देकर मदद करती है, जो कि कुल आपको मिल जाता है 12,000 रुपया। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे और नोटिफिकेशन है, लेकिन जो मेन पॉइंट यही है कि किनको मिलने वाला है और कैसे आवेदन करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया,
आप फटाफट से जाइए, आप अपने ग्राम पंचायत में मुखिया से या डायरेक्टली ब्लॉक ऑफिसर के पास जाके भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से कॉन्टैक्ट करें, सरपंच से कॉन्टैक्ट करें और उनसे अप्रोच करें शौचालय के लिए। तो आप भी इसका जो भी स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से भी ये जो शौचालय का आवेदन चल रहा है ये सब आपको उसका लाभ मिल सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप भी इसका लाभ उठाइए और दोस्तों भी इसका लाभ उठाने दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार आए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार से जुड़ी योजना और जो भी इसका स्कीम वगैरह होता है फटाफट से वीडियो बना करवाते रहते हैं ताकि आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। We'll be right back.